आजमगढ़ में मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बृहस्पतिवार को पूर्वान्ह में लगभग 11 ARTO सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कार्यालय में कार्यरत 12 कर्मचारियों के सापेक्ष मात्र 4 कर्मचारी ही उपस्थित थे। इसी प्रकार सारथी योजना के तहत कार्यरत 8 कर्मियों के सापेक्ष 5 कार्मिक उपस्थित मिले। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कर्मचारियों की उपस्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने तथा संबंधित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण पर प्राप्त करने हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया। सर, आज कमिश्नर साहब द्वारा आज कार्यालय का निरीक्षण किया गया है, क्या उद्देश्य था? मैं तो चेकिंग करने जा रहा था, जब पता चला कमिश्नर साहब आए हुए तो मैं आया। तब तक कमिश्नर साहब जा ही रहे थे, तो उनका भी ADM साहब हैं, वो देख रहे हैं। तो जो रूटीन में निरीक्षण होते हैं, वो तो कार्यालय का निरीक्षण होते रहते हैं, तो वही ADM साहब ने देखे, ADM प्रशासन साहब ने देखा है। और कर्मचारी तो सभी उपस्थित थे, और वेंडर जो हैं लाइसेंस के वो भी सब उपस्थित थे, तो देख वो कर नोट करके ले गए हैं। अच्छा, क्या कुछ खामियाँ भी मिली हैं? नहीं, कोई खामी तो नहीं मिली है। कुछ संदिग्धों को ले गए हैं? 3 या 4 लोग उन्होंने बैठाया था, तो 2 को उन्होंने कहा कि नहीं, इनका सत्यापन हो गया। 2 को के बारे में तहसील से वो सत्यापन करा रहे थे, तो शायद अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि 2 लोगों का कंफर्म नहीं हो रहा, तो हमने कहा ले जाइए, जब कंफर्म हो जाएगा छोड़ दीजिएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।